आज तक धोखे ही मिले हैं, कोई लड़का नहीं मिला। एक बार मैं एक बड़े तालीमी इदारे की फर्स्ट ईयर की तकरीबन 500 लड़कियों से सेमिनार की सूरत में खुद शनासी के मौजू पर बात करके बाहर आ रहा था, तो एक लड़की तेजी से मेरे पीछे आई और कहने लगी, सर मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मैंने मुस्कुराकर पूछा, वो क्या होती है? कहने लगी, आप इतने समझदार हैं, सबको समझाते हैं, आपको नहीं पता दोस्ती क्या होती है। मैंने कहा, मेरा मसला ये है कि मैं माहिर नफ्सियात हूँ और माहिर नफ्सियात दूसरों को अपनी डिक्शनरी से नहीं बल्कि उनको उनकी डिक्शनरी से समझने की कोशिश करते हैं। क्या पता कि आपकी डिक्शनरी में दोस्ती की डेफिनेशन मेरी डिक्शनरी की डेफिनेशन से मुख्तलिफ हो, और जब हम एक दिन एक दूसरे की डेफिनेशन तक पहुँच कर जानेंगे कि वो दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो हमें मायूसी के सिवा कुछ ना मिलेगा। कहने लगी, हम फोन पर बातें करेंगे, आप अपने मसाइल अपनी बातें बताना मुझे, मैं अपने मसाइल बताऊंगी, अपनी बातें शेयर करूंगी। तो मैंने पूछा, तो क्या हम मिलेंगे नहीं? मेरी डिक्शनरी के मुताबिक तो दोस्त मिलते भी हैं। कहने लगी, नहीं नहीं, जब कभी मौका मिला तो मिल भी लेंगे। मैंने हैरत से पूछा, मौका मतलब? दोस्तों वक्त निकाल कर मिलते हैं, मौका मिलने पर थोड़ी। कहने लगी, सर आप भी ना, ये यूरोप थोड़ी है। मैंने कहा, अगर ये यूरोप नहीं है तो छुप कर फोन पर बातें करने और सिर्फ मौका मिलने पर मिलने को दोस्ती नहीं कहते। कहने लगी, मैं कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, कभी किसी लड़के ने मेरी दोस्ती की दरख्वास्त पर ऐसे सवाल नहीं किए। मैंने कहा, क्योंकि डिक्शनरी के मुताबिक वो लड़के नहीं धोखे होते हैं। मुझे अफसोस है कि आपको आज तक धोखे ही मिले हैं, कोई लड़का नहीं मिला। ख्वाहिश को मोहब्बत का लिबास ना पहनाएं। एक लड़का लव एनालिसिस करवाने आया तो मैंने पूरी बात सुनने के बाद कहा, यह मोहब्बत नहीं ख्वाहिश है, अपनी ख्वाहिश को मोहब्बत का लिबास पहना देने से वो मोहब्बत नहीं बन जाती। कहने लगा, सर मैं उसे 6 साल सोचता रहा हूँ, पूरे 6 साल। क्या किसी को 6 साल मुसलसल सोचते रहना मोहब्बत कहलाने से कम है? मैंने कहा, क्योंकि आपके पास कुछ और सोचने के लिए था ही नहीं, अगर कुछ था तो मुझे बताएं। लंबी खामोशी के बाद कहने लगा, शुक्रिया मुझे समझ आ गई है, देर आयद दुरुस्त आयद। हासिल की शदीद ख्वाहिश और मोहब्बत, हासिल की शदीद ख्वाहिश और मोहब्बत के फ़र्क तो समझते हैं ना आप लोग कि नहीं? ताल्लुक हमेशा सच की बुनियाद पर बनाएं, झूठ बोलकर अपनी हकीकत छुपाकर जो आप नहीं हैं वो बनकर। किसी शख्स को वक्ती तौर पर हासिल तो किया जा सकता है मगर सारी उम्र के लिए खुद से जोड़ा नहीं जा सकता और ना उससे मुस्तकिल ताल्लुक बन सकता है। हाल ही में मुझसे राबता करने वाले लोगों में से चंद लोगों का लव एनालिसिस किया तो ये बात देखने में आई कि लोग दूसरों को धोखा तो देते ही हैं मगर दूसरों के साथ साथ खुद को भी धोखा देने से बाज नहीं आते। ये लोग मोहब्बत के नाम पर किसी को हासिल करने की शदीद ख्वाहिश में मुबतला होते हैं। याद रखें, लोगों को हासिल करने के कई तरीके हैं जिनमें से एक तरीका धोखा भी है। आप किसी को धोखा देकर हासिल तो कर सकते हैं मगर जब हासिल को आपकी हकीकत का पता चलता है तो उसके बाद आपका जो भी हाल हो वो आपका अपना कमाया हुआ ही होता है। अगर आपको लगता है आप इतने अमीर खूबसूरत या पढ़े लिखे नहीं हैं जितना दुनिया वाले पसंद करते हैं तो एहसास कमतरी का शिकार होकर खुद को ग्लोरीफाई करने के बजाय खुद को बेहतर बनाएं। अगर आप इस गलत ख्याल में फंसे हुए हैं कि दुनिया सिर्फ चमकती चीज को चूमते हैं तो मेरा यकीन माने ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खूबियों के कदरदान आज भी मौजूद हैं। खुद पर काम करें, अपने अंदर की मुरम्मत करें, खुद को खूबियों वाला बनाएं। लोग अमीर खूबसूरत पढ़े लिखे लोगों पर आपको तरजीह देंगे। मोहब्बत या नशा, मोहब्बत और नशे के फर्क को तो समझते हैं ना आप लोग। कभी कभी किसी शख्स की लत लग जाती है, उस शख्स का आप पर नशे सा असर होता है, वो मिले तो आप हाय हो जाते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा सा लगने लगता है, लेकिन जब नशा यानी वो ना मिले तो आपका बुरा हाल हो जाता है। आप उसकी कॉल्स मैसेजेस यानी उससे रबते का बेचैनी और बेसब्री से इंतजार करते हैं। वो आपको कॉल ना करे, आपके मैसेजेस का जवाब ना दे, आपसे रबते में ना रहे तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपको गुस्सा आने लगता है, आपकी मत मारी जाती है, आपको सब कुछ बुरा लगने लगता है, बेचैनी इस कदर बढ़ जाती है कि कोई चीज कोई शख्स कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सारी दुनिया सेकेंडरी हो जाती है, आप लो महसूस करते हैं जैसे जिस्म से जान निकल गई हो, आपको हर तरफ वो नजर आने लगता है जैसे प्यासे को सहरा में पानी नजर आता है, आपको उसकी शदीद तलब होती है, लगता है कि अगर वो ना मिला तो मौत वाकया हो जाएगी। ये वही होता है जिसे एक वक्त में आपने सारे दर्दों का इलाज समझा होता है मगर आज इलाज ही दर्द देने लगता है।
हर नशेई का ऐसा ही हाल होता है, पहले नशा उसे सुकून देता है, हर दर्द से निजात दिलाता है, फिर एक वक्त आता है वही नशा उसके लिए वबाले जान बन जाता है, इंसान ला इलाज महसूस करने लगता है। मोहब्बत और नशे के फर्क को तो समझते हैं ना आप लोग। रूह वाला खिलौना, अंदर झांकें, खुशियों को बाहर नहीं अपने अंदर तलाश करें। बहुत से लोग खुशियों को बाहर तलाश करते हैं, अगर वो चीज मिलेगी तो ही खुश होंगे, अगर वो शख्स मिलेगा तो ही खुश रह सकूंगा। इस तरह की शरारत रखने से दायमी नहीं सिर्फ वक्ती खुशी मिलती है। वक्ती खुशी इंसान को सिर्फ वक्ती तौर पर ही महजूज रखती है, उसकी रूह की तस्कीन का बायस नहीं बनती। बहुत सारे लोग बड़े होकर भी बड़े नहीं होते, जैसे बच्चों को तवज्जो बटाने, खुश होने के लिए खिलौने की जरूरत होती है, उन्हें खुश रहने के लिए रूह वाला खिलौना चाहिए होता है। उन्हें लगता है कि अगर वो रूह वाला खिलौना उन्हें ना मिला तो वो कभी खुश नहीं रह सकेंगे। ये तमाम उम्र जमीन पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर उसे मांगते हुए खुद पर खुशी हराम कर लेते हैं। बराए मेहरबानी बचपन में ना फंसे रहिए, बचपन से बाहर निकलें। लाहौर स्टेशन पर वॉक। एक लड़के ने रابطہ करके कहा, सर मुझे एक लड़की से मोहब्बत है मगर अब उसने मुझे छोड़ दिया है, उससे जुड़ी यादें मुझे बेचैन करती हैं, मुझे सारी सारी रात नींद नहीं आती और मैं नींद की गोलियां खाकर सोता हूँ। मैंने पूछा, आप किसके कहने पर नींद की गोलियां खाते हैं? लड़के ने जवाब दिया, अपने कहने पर। मैंने पूछा, उससे जुड़ी कौन सी याद ज्यादा तंग करती है? कहने लगा, एक बार सर्दियों की शाम उसके साथ उसका हाथ पकड़कर लाहौर स्टेशन पर वॉक की थी, वो नहीं भूलती, वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत शाम थी। अब चाहे उसने अपना हाथ छोड़ लिया हो मगर मैंने आज तक उसका हाथ पकड़ा हुआ है। जहनी तौर पर अब भी उसके साथ उसका हाथ पकड़कर लाहौर स्टेशन पर चक्कर लगा रहा हूँ। माजी का मुर्दा खाना। अगर कोई आपको छोड़ दे तो तन्हाई से ना भागें, कुछ वक्त तन्हा भी रहें, तन्हाई से ताल्लुक बनाएं। उसमें शक नहीं कि दुनिया के बड़े बड़े शाहकार तन्हाई में तैयार हुए हैं। कुछ लोगों के लिए तन्हाई के साथ रहना इस कदर मुश्किल होता है कि वो भाग भाग कर माजी के मुर्दा खाने में चले जाते हैं ताकि तन्हाई से निजात हासिल कर सके। कभी कभी परवरदिगार इंसान को तन्हाई का तोहफा देता है ताकि इंसान अपना तजजिया कर सके, खुद पर गौर व फिक्र कर सके। गलत फ्रेंड। एक लड़के ने पूछा, सर क्या आपकी शादी हो गई है? मैंने जवाब दिया, नहीं मैं सिंगल हूँ। कहने लगा, अच्छा फिर कोई GF तो ज़रूर होगी। मैंने पूछा, GF वो क्या होती है? कहने लगा, गलत फ्रेंड। वैसे ये मेरी डिक्शनरी में एक नई टर्म का इजाफा था क्योंकि आम लोगों के मुताबिक GF गर्ल फ्रेंड को कहते हैं। मैंने जवाब दिया, मैं मुस्तकिल मिजाज का बंदा हूँ, फन ओरिएंटेड नहीं बल्कि फैमिली ओरिएंटेड हूँ, मैं बसने और बेहतर ज़िंदगी गुजारने का कायल हूँ। ऐसे लोग किसी भी गलत रिलेशन में अपनी मोहब्बत और मेहनत बर्बाद नहीं करते, मैं मुस्तकिल मोहब्बत का कायल हूँ, मौसमी या गलत लोगों के साथ ताल्लुक बनाकर अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करता। शादी कब करोगे? पिछले दिनों मेरा एक कज़न मुझसे कहने लगा, तुम्हारी 27-28 साल उम्र हो गई है, पैसा भी कमा लिया है और नाम भी, अब शादी का क्या इरादा है? शादी कब करोगे? जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना अच्छा होता है, बूढ़े होने से पहले पहले बच्चे जवान हो जाते हैं। और फिर बड़े फ़ख्र से कहने लगा, मुझे देखो मेरे तो बच्चे भी भागने लगे हैं। मैंने कहा, जो तुमने की है अगर वो शादी है तो ऐसी शादी तो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। उसने हैरत से, जैसे जानता ही ना हो कि मैं क्या कह रहा हूँ पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने क्या किया है? मैंने जवाब दिया, तुम्हारी एक बीवी है, 3 बच्चे हैं और 4 अफेयर्स चला रखे हैं। उसने बुरा मनाते हुए कहा, जब तुम्हारी शादी होगी तो पता चल जाएगा। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यही तो मैं कह रहा हूँ, बूढ़े होने से पहले पहले बच्चे बड़े हो जाएंगे कि लालच में जल्दी में जो मिले उससे शादी करना कोई अक्लमंदी नहीं। मुझे कुंवारा मरना पसंद है मगर कभी किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करूँगा जिसे मैं अपना 100% ना दे सकूँ। अपनी गलती माने। जिंदगी में मुस्बत तब्दीली के लिए ये बहुत जरूरी है कि अगर आपसे कुछ गलत हो जाए तो अपनी गलती को किसी के सामने माने या ना माने मगर कम अज कम तन्हाई में अपने सामने जरूर माने कि मुझसे गलती सरजद हुई है ताकि सुधरने का सफर शुरू हो सके। गलतियां सिर्फ गलत लोग ही नहीं करते, बेशुमार बार सही लोगों से भी कुछ गलत हो जाता है। गलती करके अपनी गलती ना मानना उससे भी बड़ी गलती है। अगर आप गलती करने के बाद इल्ज़ाम हालात या किसी शख्स पर यह कहकर डालते हैं कि हालात या कोई दूसरा शख्स था जिसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया, तो याद रखें दुनिया में ऐसा सोचने वाले सिर्फ आप अकेले ही नहीं हैं,
दुनिया भर की जेलें ऐसे मुजरमों से भरी पड़ी हैं जो गलती करके भी ये समझते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। बहुत शुक्रिया सामीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।